हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। देखिए, जब भी हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की यूनिट की बात करते हैं, तब तक ये टॉपिक आपका हर बार आता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है या फिर इसके फंक्शंस क्या हैं, या अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इसने किस पे फाइन लगाई, क्या इसने नई फंक्शनिंग करी। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, एनजीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें कि कब स्टार्ट हुआ, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया अक्टूबर 18, 2010 में, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया जिस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो ये एक्ट बनाया गया, तो इसका क्या पर्पस था, क्यों ऐसा बनाया गया? तो देखिए, इसमें आपको पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे केसेस आते हैं डे बाय डे, तो ये सारे केसेस कोर्ट में जाते हैं। अब मान लीजिए कि इसी में एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस भी ऐड हो जाएं, तो इन्हीं केसेस को, इन एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को अलग करने के लिए इस स्पेशल ट्रिब्यूनल को बनाया गया, ताकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए और बाकी कोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। तो जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, या किसी की तरीके की लीगल राइट्स से रिलेटेड हो जो कि एनवायरमेंट का पार्ट है या रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, तो उस तरीके के सारे नेचर के जो भी आपके केसेस होते हैं उनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, इसको बाउंड किया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत। मतलब ये कोई और चीज़ फॉलो करे या क्या इसमें कौन सी गाइडलाइन होनी चाहिए, तो ये सारी जो भी प्रोसीजर ये करेगा वो सारे क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होंगे 1908। तो ये, और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोला गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, बेसिकली ये जो लॉ के स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा आइडिया होगा इसका, तो वो समझ पाएंगे, बट आप इतना बस समझिए, अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये एक हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। जैसे कि जब तक किसी का दोष, जो कल्प्रिट है उसका दोष ना पता चल जाए, या उस ये ना पता चल जाए कि यही कल्प्रिट है, तब तक वो कल्प्रिट नहीं होता है। इस तरीके के बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं नेचुरल जस्टिस में, तो वही सेम चीज़ ये ट्रिब्यूनल भी फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बारे में। तो ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, जिसको स्पेशल क्रिएशन किया गया फॉर द स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर हैंडलिंग द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज, ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी केसेस हों उसका अच्छे से डिस्पोजल हो पाए, उसका अच्छे से निपटारा हो पाए, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल का क्या फंक्शन है। तो इस ये जो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, इसका फंक्शन ये है कि ये एनवायरमेंटल जस्टिस दे और स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस दे। जैसे कि मान लीजिए कोई केस आया कि कोई एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर कोई फॉरेस्ट रिजर्व है जहाँ पर खुदाई हो रही है, माइनिंग हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस कहाँ जाएंगे, इसी ट्रिब्यूनल में जाएंगे। फिर एनजीटी उसको देखेगा कि क्या ये सही है, या इसको हम किस तरीके से जो एक्टिविटी है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या कोई इलीगल काम हो रहा है तो ऐसे में वो फाइंस लगाते हैं या सजा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की केसेस पे एनजीटी हैंडल करता है। तो इसको ये किया गया, इसको ये स्पेशली बोला गया कि विदिन 6 मंथ यहाँ पर डिस्पोजल होता है एप्लीकेशंस का। मतलब जो भी आप एप्लीकेशन डालते हैं कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा चीज़ है जो नेचुरल कंसर्न है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ये हमारी मतलब हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऐसे में अगर कोई आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसका निपटारा ये 6 महीने के अंदर अंदर दे देते हैं। तो ये है सारी डिटेल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।